हेलो यूजर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज अपडेट। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि क्रिप्टो बायर्स को क्रिप्टो खरीदते टाइम सावधानी बरतनी चाहिए। वजीर के बाद ईडी ने फ्रीज किया है क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वॉल्ट के एसेट्स को, जो कि करीब 370 करोड़ रुपए हैं। इसके बाद देखेंगे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन और चेन लिंक का डेली क्रिप्टो प्राइस एनालिसिस। अब बात करते हैं इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का एक स्टेटमेंट आया है कि जितने भी क्रिप्टो यूजर्स हैं, जो क्रिप्टो खरीदते हैं, उसमें लेन देन करते हैं, ट्रेड करते हैं, उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए क्रिप्टो खरीदते टाइम। उन्होंने वॉर्न किया है सिटीजन्स को कि क्रिप्टो जो यूजर्स हैं वो सावधानी बरतें। उनका ये स्टेटमेंट आया है जब उसके बाद कि जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट डेटा सामने आया, जिसमें ये कहा गया कि करीब 7% लोग जो इंडियंस है वो क्रिप्टो करेंसी को ओन करते हैं। अगर देखा जाए तो आरबीआई भी मेंटेन करता है कि वो टोटल बैन लगाना चाहता था क्रिप्टो करेंसी पे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये बैन नहीं लगाया गया। उनका ये कहना है कि ये फेयर नहीं होगा, बट उसे रेगुलाइज करने की बात की गई थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था नवम्बर में कि वो बहुत जल्दी इस पे बैन लगा सकते हैं, बट ये एक खास डिसीजन होगा, इस वजह से इसे बैन नहीं किया गया, बट इसे रेगुलेट करने की बात हमेशा से होती आ रही है। एंड बहुत जल्दी इंडिया में एक क्रिप्टो लॉ बनाया गया है, उसे स्प्रेड किया जाएगा क्रिप्टो करेंसी को खरीदते बेचते टाइम या जो भी इसमें ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उन सब पे को उस लॉ के तहत चीजें करनी होंगी। जैसा कि देखा जा रहा है कि इस टाइम पे बहुत सारे एक्सचेंजेस अपने आप को बैंकक्रप्ट दिखा रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की कई सारे केसेस के सामने आ रहे हैं, उसके बाद रेगुलेशन एक तरह से कहीं ना कहीं जरूरी भी हो जाता है। अब बात करते हैं ईडी की तरफ से फ्रीज किए गए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वॉल्ट के एसेट की। जैसा कि हम सब जानते हैं, ईडी की ने वजीरेक्स पे फाइन इम्पोज किया था बिकॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। एज इट इज एक अनदर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वॉल्ट पे भी ईडी की नजर थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और करीब उसके 270 करोड़ रुपए के एसेट्स को फ्रीज कर दिया है। इस मैटर पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पेशेंस और सपोर्ट रखने की बात की गई है कि आगे आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा। ईडी ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में अभी कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं की है कि वो इस पे क्या एक्शन लेगी या अभी किस तरह की इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि फाइनल चीजें क्या निकल के आती है, इन्वेस्टिगेशन किस तरह का रिजल्ट लेके आता है, क्या चीजें ये सही में मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है या क्या बनता है, वो सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। एंड देखा जाए तो क्रिप्टो इंडस्ट्री काफी टाइम से बियरिश मोड में चल रही है और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट है, इवन जो रिसेशन का टाइम चल रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं इसमें अप डाउन तो आते ही रहते हैं और बहुत टाइम से बियर मोड ऑन है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। इसके अलावा बहुत सारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने अपने आप को बैंककरप्ट दिखा दिया है, इस वजह से कहीं ना कहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री एक हिसाब से डामाडोल चल रही है इस टाइम पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। हम बात करेंगे जितनी भी टॉप करेंसी से उनका प्राइस एनालिसिस करेंगे। अगर बिटकॉइन की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये करीब 1.59% तक पिछले 24 घंटों में बढ़ा है। साथ ही इथेरियम भी 0.79% तक बढ़ा है पिछले 24 घंटों में। लाइटकॉइन और चेनलिंक की बात करें तो ये अभी भी बेरिश मोड में चल रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक तरह से गेन की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिटकॉइन इथेरियम अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बट अभी भी कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो बेरिश मोड में ही चल रहे हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि बहुत सारी क्रिप्टो कंपनीज जिन्होंने अपने आपको बैंकक्रप्ट दिखाया है या दिखा रही है, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्क पड़ा है क्रिप्टो इंडस्ट्री पे। और कई लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं क्रिप्टो पेमेंट्स को डेली टू डेली परचेजिंग वगैरह में, इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। तो निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीजें उभर के सामने आ रही है जिससे क्रिप्टो इंडस्ट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित हो रही है। बीटीसी में अगर गेन देखा जाए तो हाल ही में उसने अपना $25,000 तक का जो आंकड़ा है वहां तक पहुंच गया। एंड इसका अनदर चीजें शो करता है कि ये 1.59% बढ़ा है पिछले 24 घंटों में।
अगर इथेरियम की बात करें तो वो काफी टाइम से अपने आप को ब्लिश दिखा रहा है। इसका एक रीजन मर्ज इवेंट भी है जो कि सितंबर में होने वाला है, एंड देखा जाए तो ये अपने अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। इसके अलावा लाइट कॉइन की अगर बात करें तो वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं दिखा रहा, ये करीब 0.2% तक गिरा है पिछले 24 घंटों में। एंड लाइट कॉइन का जो मार्केट कैप है वो भी उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुई है। लिंक कॉइन की अगर बात करें तो वो भी बेरिश मोड में चल रहा है, उसका डेटा भी यही शो कर रहा है कि अभी ये बेरिश मोड में चल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, डू लाइक द वीडियो, थैंक यू।